हम क्वेश्चन नंबर एट जो है उसको करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है हमारे पास पार्ट वन, इसमें साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। बेटा प्रूफ करो साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। नोट इट्स राइट हैंड साइड 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। फॉर्मूला भी आपने दिया, साइन हाइपरबोलिक x हमारे पास किसके इक्वल था, a की पावर x माइनस a की पावर माइनस x ओवर 2, और कॉस हाइपरबोलिक किसके इक्वल था, a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x ओवर 2। इनकी वैल्यू यहां पे पुट कर दें, ये आएगा 2 a की पावर x माइनस a की पावर माइनस x ओवर 2 a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x ओवर 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल, याद रहेगा e की पावर x माइनस e की पावर x इनटू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। हमारे पास फॉर्मूला बन गया a माइनस b, a प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या दूसरा लफ्ज में e की पावर x को e की पावर x से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, e की पावर x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस a की पावर माइनस x को a की पावर माइनस x से मल्टीप्लाई किया इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। पावर की पावर हो तो आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा a की पावर 2x माइनस a की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, और ये किसके इक्वल है साइन हाइपरबोलिक 2x, सो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। जैसा कि अभी मैं आपको बता कर आया था कि साइन mx किसके इक्वल e की पावर mx माइनस e की पावर माइनस mx ओवर 2, मैंने यहां बताया था m की जगह पे जो कुछ भी होगा वो इस पावर में आएगा। फॉर एग्जांपल यहां पे साइन हाइपरबोलिक 2x तो ये क्या आ जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ओवर 2, ये सारे के सारे किसके इक्वल हुआ साइन हाइपरबोलिक 2x, तो इस सारे की जगह पे आप क्या लिख सकते हो साइन हाइपरबोलिक 2x, सो दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन की डेफिनेशन, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी इवन, अ फंक्शन f is said to be even if f into minus x equal to f into x। okay, देखिए फंक्शन f even उस वक्त होगा जब उसमें x की जगह पे minus x रिप्लेस करे और उसमें कोई चेंज ना, फॉर एग्जाम्पल f of x equal to x के इसमें क्या करते हैं रिप्लेस कर दें x की जगह पे माइनस x, रिप्लेस x बाय माइनस x, माइनस का स्केयर प्लस होगा। अब देखेंगे x के किसके इक्वल f into x के, x के किसके इक्वल f into x, इस x के की जगह पे आप यूज कर सकते हो f इनटू x, x स्क्वायर की वैल्यू f इनटू x, ठीक है, कंडीशन पूरी होगी f इनटू माइनस x इक्वल टू f इनटू x। ऐसा फंक्शन जिस पे हम x की जगह पे माइनस x लगाएं और उस फंक्शन में कोई चेंज ना आए दोबारा वही फंक्शन आ जाए उस फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं इवन फंक्शन, सो द इवन फंक्शन इज इवन, सो द इवन फंक्शन इज even।
नोट कर लें आगे। इसके बाद है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी ऑड, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी ऑड if f into minus x equal to minus f into x। वहां पे क्या था, अगर x की जगह पे minus x replace करें तो वही दोबारा function आए, लेकिन यहां पे क्या है कि अगर x की जगह पे minus x replace करें तो आए तो वही function, लेकिन उसके साथ negative sign आए। A function f is said to be odd if f into minus x, इसको example से वादे करते हैं, for example f of x equal to x cube। अब इसमें रिप्लेस कर दे, जहां x है x की जगह पे माइनस x, ये आपके पास आएगा माइनस x cube। x cube किसके इक्वल है, f into x के, इस x cube की जगह पे आप क्या यूज कर दो, f into x। यानी हमने क्या किया, हमारे पास फंक्शन था f of x is equal to x cube, हमने जहां x था x की जगह पर रिप्लेस कर दिया माइनस x, माइनस x का क्यूब किसके इक्वल होगा, माइनस x क्यूब, क्योंकि जब भी नेगेटिव की पावर ऑड नंबर हो तो माइनस साथ रहता है, अगर नेगेटिव की पावर इवन नंबर हो तो वो प्लस हो जाता है। तो x क्यूब की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दी f into x, तो हमारे पास वही कंडीशन बन गई f into x equal to minus f into x, so the given function is odd। So the given function is odd। अब इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, इवन और ऑड से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इसका पार्ट 1 है, इसमें क्या कहता है, डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन f इज इवन आर ऑड। तो ये बताना है कि हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है f of x is equal to x cube plus x, क्या ये इवन है या ऑड है। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, रिप्लेस कर दो x बाय माइनस x, जहां x है x की जगह पे माइनस x रिप्लेस कर, जहां x है वहां पे क्या रिप्लेस कर दे, माइनस x, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस x क्यूब प्लस माइनस माइनस, टेकिंग माइनस कॉमन, x क्यूब प्लस x, x cube plus x किसके इक्वल है, f into x के इक्वल है, तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हो f into x, साथ ये माइनस रहा, वही कंडीशन वो भी आपके पास जो भी क्वेश्चन आपने किया था, f into minus x equal to minus f of x। दोबारा देखिएगा, हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, जहां x था x की जगह पे माइनस x, जहां x था वहां माइनस x, माइनस x cube भी माइनस x cube होगा, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बात है, x क्यूब प्लस x, x क्यूब प्लस x किसके इक्वल दिया हुआ है, f into x के इक्वल, तो कंडीशन होगी सो द गिवन फंक्शन इज, सो द गिवन फंक्शन इज ऑड। इसका पार्ट 3 देखते हैं, पार्ट 3 क्या है, f of x इक्वल टू x into square root of f of x equal to x into square root of x square plus 5। रिप्लेस कर देंगे x की जगह पे माइनस x, माइनस x, माइनस x into माइनस x square plus 5, ये आपके पास आएगा माइनस x into x square plus 5, या आप इसको यू भी लिख सकते हो x into x square plus 5। और ये सारे के सारे हमारे पास किसके इक्वल है, गिवन स्टेटमेंट के, और वो क्या है, x into x square plus 5 whole square। अब ये आगे f of x equal to x into square root of x square plus 5, तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो f into x, so the given function is odd,
सो द गिवन फंक्शन इज आर। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा उठ सकते हैं जिसमें इवन हो और फिर एक ऐसा देखेंगे जो इन दोनों में से नाइदर आएगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, इसका पार्ट नंबर 5 है f(x) पार्ट नंबर 5 f(x) इक्वल टू x की पावर 2/3+6। यहाँ पे हमारे पास पावर फ्रैक्शन में है तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते ताकि हम जब x की जगह पे -x रिप्लेस करें तो वहां हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो। तो आप इसको यूं भी देख सकते हो f(x) इक्वल टू x की पावर 2 की पावर 1/3+6। अब रिप्लेस करते हैं x की जगह पे -x, ये आपके पास आएगा -x² की पावर 1/3+6, ये बन जाएगा x² की पावर 1/3+6, ये बन जाएगा x की पावर 2/3+6 और ये किसके इक्वल है हमारे पास f into x के इक्वल है। तो ये कौन सा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन। So the given function is even. So the given function is आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में डिस्कस करेंगे, पहले हमने इवन ऐड किया, अभी देखते हैं ये कौन सा फंक्शन है। f(x) इक्वल टू x-1/x+1 replace x by -x। माइनस कॉमन ले लें x+1, माइनस कॉमन ले लें x-1, x+1, x-1। हमारे पास ये जो आंसर है, हमने क्या किया, x की जगह पे रिप्लेस कर दिया -x। अब ऊपर माइनस कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर में से भी माइनस कॉमन ले लिया, x+1, x-1, क्या ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट के इक्वल है? नहीं, क्योंकि गिवन स्टेटमेंट में x-1 है ऊपर और यहाँ पे क्या है x+1। इन कहने का मकसद ये कि ये हमारे पास f(-x) जो है ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट के इक्वल नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ना इवन फंक्शन है ना ये ऑड फंक्शन है। तो आप इसकी जगह पे सिंपल ये लिख दे नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। ये हमारा लेक्चर था आज का, इवन और ऑड फंक्शन से रिलेटेड, ये फंक्शन के टॉपिक था हमारा जिस पे हमने लेक्चर दिया। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे।